हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल ओवी। एंड गाइस, इट्स मॉर्निंग 6:36 AM एक्चुअली। एंड आज जो है वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही सुबह सुबह आप लोगों के लिए। वीडियो है किस चीज़ के ऊपर? आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बहुत दिनों से यार आप लोग मुझे कह रहे हो कि सर पहले की तरह आप बड़ी बड़ी ट्रेड्स क्यों नहीं ले रहे हो, पहले की तरह जो ओलिम ट्रेड पे 2000 डॉलर्स की ट्रेड है वो कहाँ गई है, अब क्यों नहीं लेते? तो आज उसी पे वीडियो आने वाली है। प्लस एक और चीज़ यार, आज हम यूज़ करने वाले हैं 3 मूविंग क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी, मूविंग एवरेज की जो स्ट्रैटेजी है, जो आप कहते हो कि भैया ओलिम ट्रेड में मूविंग एवरेज है ही कहाँ जो आप क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी यहाँ पर यूज़ करोगे। बट आज हम EMA के साथ वो स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हैं, तो मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूँ। तो यार वीडियो लास्ट तक देखना, क्यों? क्योंकि वीडियो के अंदर थ्रिलर है, सस्पेंस है, मज़ा है, ड्रामा है, इमोशंस तो जुड़े हुए हैं डेफिनेटली। बिकॉज यहाँ पे अगर आप को पता है 1000 डॉलर्स की ट्रेड है, छोटी ट्रेड तो डेफिनेटली नहीं है, बड़ी ट्रेड है। अगर विन करते लॉस करते जो बीच में हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, मज़ा ही कुछ और आता है। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले मैं जो है EMA अप्लाई कर देता हूँ। EMA मैंने 3 बार क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जो है देखिए, दिमाग लगाने की ज़रूरत है। मैंने जो IQ ऑप्शन में आपको स्ट्रैटेजी बताई थी, उसके बाद वही स्ट्रैटेजी आपको मैंने पैनमो में भी बता दी, ओलंप में भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले मैंने 6 जो है वो सेट कर दिया, एंड यहाँ पे कलर जो है वो मैंने यहाँ पे ब्लू सेट कर दिया है, ठीक है। हम सेकंड में आते हैं, सेकंड में हमने जो कलर है वो येलो ही रखा है, लेकिन 13 यहाँ पे जो है टाइम पीरियड सेट कर दिया है। देन थर्ड में आते हैं, तो यहाँ पे मैंने 26 रख दिया है, 26 एंड मैं 26 रख देता हूँ। कलर जो है मैं वो रख देता हूँ ग्रीन, ओके। तो अब हमारे पास 3 मूविंग क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी है, ठीक है, एग्जैक्टली, ओके। तो अब हम जाते हैं हमारे कंफर्मेशन पे। तो भैया आप सबसे पहले जाएंगे, 1000 डॉलर्स की ट्रेड है हमें सेट करनी है, 1000 डॉलर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे ही ब्लू कलर की लाइन क्रॉस करती है येलो कलर की लाइन को, एग्जैक्टली जब ब्लू कलर की लाइन यानी हमारी जो स्मॉलेस्ट लाइन है वो क्रॉस करती है येलो कलर की लाइन को, तो हमारे पास कन्फर्मेशन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन का, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करने वाले हैं एग्जैक्टली कि क्या होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग है, ट्रेंड का कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई चेक मैंने अभी तक नहीं किया है कि क्या ट्रेंड्स रहने वाले। तो अभी फ़िलहाल देखो ये नीचे ही मुझे लग रहा जाएगा, तो नीचे ही, लेकिन ओके। तो देखिए ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया, मतलब मार्केट इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं करेंसी कर लेता हूँ चेंज, वैसे अभी नहीं वर्क कर रहा है तो हमें किसी भी करेंसी पे ट्राई नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता 1 मिनट की डाउनवर्ड डायरेक्शन तो डेफिनेटली विन करने वाला था। तो यहाँ पे इस करेंसी पे ये वर्क कर रही है स्ट्रैटजी, एंड जाते हैं और JPY पे। तो यहाँ अच्छा और JPY पे तो नहीं, हाँ यहाँ पे भी वर्क किया था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बट फिलहाल देखा जाए तो सब कुछ अपोज ही चल रहा है सिचुएशन के। तो ऐसी सिचुएशन में इतनी बड़ी ट्रेड लेना सही नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का आपको सिग्नल नहीं मिला था, यहाँ पे मिला था थोड़ा सा अपवर्ड जाने का सिग्नल, ठीक है। बट लेट्स सी कि क्या होता है। हमारे पास ग्रीन की 26 हैं वो सबसे ऊपर हैं, एंड थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है यहाँ पे कि क्या हो सकता है, बिकॉज 1000 डॉलर्स की ट्रेड है। फालतू में तो वेस्ट करेंगे नहीं, करेंगे तो अच्छे से ही करेंगे, क्योंकि फुल कंफर्मेशन के साथ ही जाने वाले हैं 1000 डॉलर्स में। चाहे हमें प्रॉफिट परसेंटेज है वो कम मिल जाए, डजेंट मैटर, बट कन्फर्मेशन जो है वो फुल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हल्की सी कंफर्मेशन अपवर्ड डायरेक्शन की शायद है, क्योंकि ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे है और शायद उसको क्रॉस भी कर दे। लेट्स सी एंड लेट्स वेट फॉर अ वाइल, देन विल गो फॉर द ट्रेड। एंड सीरियसली वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं जाने वाली है, ठीक है, थोड़ी सी मैं जल्दी से निपटाने वाला हूँ इस वीडियो को। बट जो है ट्रेड का थोड़ा सा मुझे सिग्नल या थोड़ा सा कन्फर्मेशन मिलता है, देन विल गो फॉर द ट्रेड। तो देखते हैं, नहीं अभी तक क्रॉस नहीं की है, अभी तक जो ब्लू कलर की लाइन है उसको ग्रीन कलर की लाइन ने क्रॉस नहीं की है, ओके। तो यहाँ पे भी अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम जाते हैं किसी और करेंसी पे। एंड देन यहाँ पे भी नहीं, सॉरी गाइस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतना टाइम लग जाएगा बिकॉज ऑफ करेंसी के जो सिनेरियोज चल रहे हैं अभी। ये कोई ये स्ट्रैटजी जो है अभी फ़िलहाल किसी पे भी वर्क नहीं कर रही है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा इस स्ट्रैटजी के लिए। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अगर कोई और स्ट्रैटजी वर्क कर रही हो तो वहाँ पे ट्रेड ले, बिकॉज ट्रेड मुझे जल्दी लेनी है एंड मैं थोड़ा बिजी हूँ आज के दिन। तो इसलिए मैंने सोचा कि मॉर्निंग में ही वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो लेट्स सी,
यहाँ पे भी नहीं है। एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन आपको एक वीडियो दूँ जिससे कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिले। आप बिज़ी रहो दिन में, आप जितना भी रहो दिन में, शाम को थोड़ा सा टाइम निकाल के आप वीडियो देख ले तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। यूएसडी कैड नहीं, देखो कि अगर आप सिनेरियो कोई भी मैच नहीं कर रहा फिलहाल, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे हक में हो जिससे हम ट्रेड ले सके, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा और वेट करेंगे किसी और करेंसी पे, देन विल गो फॉर दी ट्रेड और GPY। ओके, तो यहाँ पे देखिए ओवरलैप सिचुएशन चल रही है येलो एंड ब्लू के बीच में। क्या ओवरलैप है? तो ओवरलैप का फ़ायदा हमेशा डाउनवर्ड ट्रेंड पे ही रहता है, मतलब तो मैंने डाउनवर्ड ट्रेंड पे जो है ट्रेड ले लिया है, क्योंकि जब सिचुएशन आती है ओवरलैप की तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है ओवरलैप की सिचुएशन में, ज़्यादातर केसेस में कि सिचुएशन जो है ना वो डाउनवर्ड ही रहती है। मतलब अगर दो ट्रेंड लाइन ओवरलैप हो जाती है, मतलब अगर चाहे वो येल्लो हो और ब्लू हो, चाहे वो ग्रीन हो या येलो हो, अगर दो ओवरलैप सिचुएशन में होती है और इस तरीके से ओवरलैप होती है जिस तरीके से अभी आप सिचुएशन देख पा रहे हैं करंट सिचुएशन, तो उस सिनेरियो में हम कह सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब श्योरिटी भी नहीं है, 100% कोई नहीं कह सकता, लेकिन मैंने यहाँ पे जब इतनी बड़ी ट्रेड प्लेस की है, इतनी ट्रेड बड़ी ट्रेड जो है मैंने प्लेस की है, तो विदाउट कन्फर्मेशन के तो डेफिनेटली नहीं की होगी। मैंने थोड़ा बहुत, अगर मैं अंदर से कॉन्फिडेंट होऊंगा रिगार्डिंग ट्रेड ट्रेंड्स, तो ही मैंने इतनी जो बड़ी ट्रेड है वो प्लेस की होगी। तो डेफिनेटली अभी है, अभी हमारे पास जस्ट 7 seconds, 6 seconds, 4, 3, 2, 1, 0 एंड वी फॉर $900। या एक्चुअली 90% का प्रॉफिट रेशियो था इसके ऊपर, तो देखिए सडनली ऊपर चला गया, बट वहाँ पे मैं ओवरलैप सिचुएशन पे कन्फर्मेशन में था कि नीचे आने वाले, तो भैया यहाँ पे हम जीत गए हैं $900 टुडे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और धक धक दिल ज़रूर किया होगा यार। अगर इतनी अच्छी लगी वीडियो तो एक काम आपको ज़रूर करना है, थम कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर किया करो, क्योंकि यार आपके शेयर से और लाइक से बहुत हिम्मत मिलती है। कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो, हैशटैग टेक्निकल अभी ज़रूर यूज़ करो कमेंट में, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, और टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हुए हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, अभी ज्वाइन हो जाओ। चलिए गाइस मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।